छतरपुर जिले के प्रसिद्ध स्थान पर खड़े हुए हैं हम। बसवन में विराजे हैं माँ कालिका। माँ कालिका देवी का जो स्थान है वो अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है, अनुपम है। माँ भगवती की कृपा ऐसी है कि माँ कालिका की दर पे जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तमाम की उदंतियाँ हैं माँ के दरबार को लेकर। आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरीके से आए हैं। माँ यहाँ पर प्रकट हुई थी। एक कुशवाहा जाति के व्यक्ति बांस काट रहे थे, बांस का यहाँ झाड़ लगा हुआ था, और जब उस एक बांस काटा तो माँ स्वप्न देती हैं, और इसके बाद माँ भगवती उस स्वप्न को जिस कुशवाहा जाति के व्यक्ति को देती हैं, वो जब यहाँ पर आकर खुदाई करते हैं तो माँ की ये अनुपम प्राकृतिक मूर्ति यहाँ से प्रकट होती है। और तब से लेकर अब तक ये स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। न सिर्फ छतरपुर जिले बल्कि पूरे बुंदेलखंड और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं। गर्भगृह की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का ये नौमी का दिन है। माँ की पूजा अर्चना आरती हो रही है। माँ कालिका सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और श्रद्धालु हैं यहाँ पे। जी क्या बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? निशा। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं पे रहते हैं, छतरपुर से आए। छतरपुर से आए हैं। हाँ। क्या मान्यताएं हैं माँ के दरबार की? माँ जो मांगता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। जी जी, जय माता जी। चलिए, सबकी मनोकामनाएं माँ पूरी करती हैं। और दृश्य आप देख सकते हैं, ये गर्भगृह है माँ कालिका देवी का जो यहाँ पर बसवन में विराजमान है। यहाँ की अगर आप दृश्य देखें तो लगातार यहाँ भक्तों का आना जाना लगा है। माँ को दीप अर्पित कर रहे हैं और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जमी बनी हुई है। अलग अलग तरीके से धार्मिक आयोजन भी यहाँ होते रहते हैं। अगर आप तस्वीरों में देख पाएँ कि भागवत कथाएँ भी यहाँ बैठी हुई हैं, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इधर कन्या भोज चल रहा है और एक तरफ हवन पूजन भी चल रहा है। तो माँ का ये दरबार है जिस दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। शुक्ला जी, किस तरीके की मान्यताएं हैं माँ कालिका देवी को लेकर? कितनी भीड़ आती है यहाँ? यहाँ 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं अष्टमी के नवमी के दिन, और जो है परिवा से लेकर नवमी तक बराबर भीड़ चलती है। कन्या भोज भी चलते हैं और जो है श्रीमद् भागवत देवी भागवत और अनुष्ठान वगैरह चलते हैं। और जो लोग बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं, दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और निरंतर यहाँ कन्या भोज चलता है और जो है 12 महीना यहाँ पूजा होती है और श्रद्धालु लोग आते हैं, और जो है यहाँ पर जो है विकास निरंतर हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा उमाकांत गर्ग। जी मुड़ेरी से आए हैं। हमारी भी यही मान्यता है और यहाँ की भी मान्यता है। सभी लोगों से हमने सुना है कि जिसके मतलब पुत्र वगैरह नहीं होते हैं तो अगर यहाँ हत्ता लगा दें और कुछ मान्यता कर दें तो पुत्र आपको पुत्र रत्न जरूर से जरूर मिलेगा। मैंने भी अभी कथा सुनी है जस्ट 5 मिनट पहले, तो यहाँ काली माता की यही मानता है कि जो भी मांगो वो आपको मिलता है। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? माँ कालिका का अद्वितीय स्थान हिंदुस्तान में अद्वितीय स्थान है। जो वरदान श्रद्धालु मांगता है उसे बिना किसी उसके आशीर्वाद माँ कालिका देती है और उसका कार्य सफल होता है। वाह, क्या शुभ नाम है सर आपका? बलराम मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? ये हम छत्तीसगढ़ रायपुर में निवास करते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं जी। और किस तरीके की मान्यता है? किस तरीके की मान्यता है? माता की कृपा अपरंपार है, स्वयंभू माता है, स्वयं प्राकट हुआ है, नित्य है। और यहाँ पर क्या है कि जो ही मनोकामना भक्तों की होती है, माँ बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, और अपने भक्तों के लिए उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं श्रद्धा विश्वास से। जो कोई तो आप छत्तीसगढ़ से यहाँ आए, और भी लोग आते होंगे छत्तीसगढ़ से? पूरे देश से लोग आते हैं, जो जिनकी जड़ें यहाँ पर हैं सब लगातार यहाँ आते हैं। और कालिका देवी मंदिर के मुख्य पुजारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका महाराज जी? हमारा नाम है राधे। राधे जी, किस तरीके की मान्यता है, कैसे प्रकट हुई थी माँ? क्या लोग की माँ पुराने जो सयान लोग हैं उन्होंने बताया था कि एक बांस का पेड़ था यहाँ, दो बांस का पेड़ उसने खोद लिया एक, तो फिर माता ने उसको रात में सपना दिया, तो 4 लोगों से बताया उसने, फिर वो लोग आए यहाँ, उन्होंने साफ़ सफाई करी, इसके बाद माता प्रकट निकल आई, तो इसके बाद सब कुछ माता रानी की कृपा से सबके काम होने लगे। और जो भी भक्त आते हैं तो उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। कोई आता है कि हमारे संतान नहीं है तो माता संतान की प्राप्ति करती है। खासकर निसंतान लोगों को यहाँ बताते हैं बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। लोगों की तो ऐसी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी की, जो भी 10-10 साल 15-15 साल और 20-20 साल तक नहीं बच्चे प्राप्ति पाते हैं
लेकिन उनको माता रानी देती है, जो श्रद्धा भाव से आता है यहाँ सब माता रानी पूर्ण करती। सिर्फ आप कुशवाहा जाति से हैं? हाँ, कुशवाहा पुजारी ही रहते हैं माता के दरबार में? नहीं, कुशवाहा जी को मतलब सदा से ही माता रानी, उन्हीं ने आशीर्वाद दिया था कि आप हमारी पूजा अर्चना करें, उन्हीं ने। बाकी समिति है, वो विकास कार्य सारे होते रहते हैं, समिति अपना विकास में लगी रहती है, और जैसे जो कोई भी है सब कुछ उसमें लगा रहता है। लेकिन मतलब ये वो अलौकिक मंदिर है जिसमें पूजा का सौभाग्य आप की जाति को मिला? यह माता रानी की कृपा है कि जो ने ये सौभाग्य दिया सेवा का, तो सेवा आज मिल रही है सबको, तो इसी से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तत्व प्रकाश पाठक है। क्या कहेंगे पाठक जी, जिस तरीके का स्थान है, क्या मान्यताएं हैं यहाँ को लेकर? यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं सर, और ये अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध देवी है, हर किसी की मुराद पूरी करती है, और ये हमारी कुलदेवी भी है, हम यहीं के हैं बचपन के, लघुस नगर में रहते जरूर हैं लेकिन हमारी कुलदेवी है, हमको यहाँ आने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है माँ के यहाँ दर्शन करने में। चलिए, माँ की दर्शन करके अलौकिक अनुभूति होती है, फिर मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ आते हैं, अन्य राज्यों से लोग आते हैं, माँ की सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, खासकर निस्संतान को संतान देती है माँ कालिका, और जो भी माँ के दर पे आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।